देख रहे हो बीच में से क्रैक हो गया था, और साइड से भी यहाँ पर ऐसे करके निकाल देंगे पूरा, और इसको सीधा रखने के बाद। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 8 जुलाई 2024, और जैसे कि मैं कुछ टाइम से एक्सरसाइज शुरू कर चुका हूँ, तो आज भी जा रहा हूँ जिम करने के लिए। तो ये डली है पूरी शांत से जिम, बढ़िया से गाना लगाते हैं और थोड़ा शोर मचाते हैं जिम में। और भैया अब आप टाइम मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सीधा मिलेंगे वर्कआउट के बाद। तो टाइम दोस्तों 9:15 हो रहे हैं करेक्ट, मतलब हो गए हैं, और अब सीधा मिलते हैं वर्कआउट ख़त्म करने के बाद। तो भैया एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी है, टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, 10:13 या फिर 14 हो रहे हैं, शायद 13 हो रहे हैं। टी शर्ट की हालत आप देख सकते हैं, पूरी गीली हो गई है। बीच में मैंने आपको कुछ राउंड दिखा दिए थे, ज़्यादा मैंने नहीं दिखाया था आज, वो क्या वीडियो काफ़ी शॉर्ट हो जाती आखिरी तक जब एडिट करते, तो मैंने सोचा कुछ दिखा देता हूँ हल्का फुल्का। और शेड्यूल तो आपको मेरा पता ही है, पूरा ये वाला शेड्यूल मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसमें कुछ एक्सरसाइज मैंने बढ़ा रखी है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। और एक घंटे में सिर्फ 2 ही 2 राउंड लग पाते हैं सबके, तो 2 ही 2 अपन कर रहे हैं, बाद में देखेंगे बढ़ाएंगे, तो 3 राउंड तक मैक्सिमम जाऊँगा। सौर शायद जग चुका है, ये चल के देखते हैं क्या कर रहा है। ये रहा, क्या बना रही है तुम्हारी, क्या बताया था तुमने, आप भूल गया था। हाँ भाई आप आज दोस्तों आप बन रहे हैं। शोर खा रहे है, खा रहे शोर, खा चुका अम्मा के साथ। तो दोस्तों दाढ़ी मैंने थोड़ी सी ट्रिम कर ली है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कैसी लग रही है। ट्रिम करते करते जैसे मैंने ट्रिमर यहाँ पर रखा, गोप्रो यहाँ पर रखा हुआ था, गोप्रो नीचे से रख के गिर गया, और इसमें एक जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ था उस पर थोड़ा सा क्रैक वगैरह आ गया है। अब पता नहीं जब एडिटिंग करूँगा तो देखूँगा कुछ गड़बड़ लग रही होगी, तो फिर स्क्रीन गार्ड मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर गड़बड़ नहीं होगी तो यही वाला स्क्रीन गार्ड चलने दूँगा। स्क्रीन गार्ड से ये रहता है जैसे उल्टे सीधे हाथ लगते रहते हैं स्क्रीन पर, तो लेंस वगैरह पर, तो लेंस ख़राब नहीं होता, इस वजह से मैं स्क्रीन गार्ड को लगाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और कभी कभार गोप्रो गिर भी जाता है जैसे अभी गिर गया है, तो जो भी डैमेज होगा वो स्क्रीन गार्ड पे ही होगा, अंदर नहीं होगा लेंस वगैरह पे। दोस्तों 11:30 होने वाले हैं और मैंने ये अपना नाश्ता ले लिया है। वैसे मैंने सोचा था लहसुन की चटनी बनाऊँगा, और मैंने अपने लिए ये प्याज वाले आपे बनवाए हैं, प्याज भी डलाऊँगा, मांगी सबके बिना प्याज वाले थे। आगे ख़त्म करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो भैया इंडियन एयरफोर्स के फॉर्म आए हुए हैं, और मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा था, कैमरा वगैरह मतलब मोबाइल वगैरह मैंने यहाँ पर लगा रखा है, और आधे ज़्यादा वीडियो मैंने बना भी ली थी, लेकिन सौर को मेरी आवाज़ बाहर तक पहुँच गई पता नहीं कैसे, और ये अंदर आ गया, साथ में एक लड़ी भी उठा लाया था, ये आ गया और कैमरे का स्टैंड पूरा हिला के रख दिया इसने, और फिर बग गया बाहर। अभी फिर थोड़ी देर में चक्कर लगाता हुआ अंदर आ जाएगा, गेट बंद कर देता हूँ, पंखी की आवाज़ आ रही है। दोस्तों काफ़ी टाइम लग गया वीडियो वगैरह कंप्लीट करने में, पहले तो सौर आ गया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद यहाँ पर जो लाइव फोटोग्राफ अपलोड हो रही है एयरफोर्स के फॉर्म में उसमें बड़ा पंगा है। मैं क्या है वैसे सैंपल फोटो अपलोड करता था, उसके बाद लाइव इमेज किया कैप्चर करने वाला ऑप्शन आता था, उसमें अपनी फ़ोटो कैप्चर कर लेता था, या फिर जो सैंपल फोटो है उसी को ही कैप्चर कर लेता था। लेकिन ये बोलने लगा भैया आईज ब्लिंक होनी चाहिए, तो सैंपल फोटो से तो अपन आई ब्लिंक करवा नहीं सकते हैं। वैसे मैंने AI का भी यूज करके देखा, लेकिन फ़ोटो जनरेट नहीं हो पा रही थी उससे। फिर मैंने सोचा अपनी फ़ोटो अपलोड कैप्चर करूं, तो अपनी फ़ोटो कैप्चर करने जा रहा हूं, तो वो बोला है फ़ोटो में जो फेस है वो मैच नहीं कर रहा है सैंपल फ़ोटो से। तो फिर मैंने क्या किया, पुरानी एक फ़ोटो डली हुई थी उसमें एडिट वगैरह करके अपनी फ़ोटो बनाकर उसको अपलोड किया, फिर दोबारा से मैंने अपनी फ़ोटो लाइव इमेज कैप्चर में कैप्चर करी, तब जाकर कहीं वीडियो शूट हो पाई। मुश्किल से 40 मिनट की वीडियो के आसपास, मतलब दो मैंने वीडियो शूट कर ली, तो टोटल 40 मिनट के आसपास हो रही होगी खूब से खूब, लेकिन एडिट वगैरह करने में फ़ोटो वगैरह बनवाने में लगभग 2 घंटे का टाइम लग गया मुझे, तो कभी कभार ऐसी दिक्कत आ ही जाती है। और सौर इंतजार करते करते बाहर लेटा हुआ है, देखते हैं लेके आते हैं उसे अंदर ही। वीडियोस तो मेरी 2 शूट हो चुकी हैं, उसके बाद मैं कुछ और वीडियो शूट करूँगा, मतलब बनाऊँगा। बेटा जी, मेरा बेटा जी इंतजार कर रहा था बेटा जी। तो भैया अभी रात के 8 बज रहे हैं, और मैं सौर को अभी थोड़ी देर पहले खिला रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा है बड़ी जोर का काटा, क्या ये टी शर्ट पहन रखी थी, और ये मतलब इसको पता नहीं चलता जब ये काटता है, इसको पता नहीं चलता कि टी शर्ट को दांत से दबा रहा है कि ये स्किन भी चली जाती है कभी कभार। वैसे ज़्यादातर तो टी शर्ट वगैरह या फिर पेंट वगैरह को दांत से दबा लेता है, ऐसे मम्मी या फिर उर्वशी के साथ खेल रहा होता है तो उनकी साड़ी या फिर सूट वगैरह होता है उसको दबा लेता है दांत से, कभी कभार स्किन भी साथ में चली जाती है। और ऐसी आज मेरी स्किन ये अपने मुँह में भर ली उसने, थोड़ा सा हल्का सा खून आ गया, वैसे टी शर्ट से मैंने साफ़ कर दिया इसे, लेकिन फिर भी खुल गया है थोड़ा सा। और हाँ एक प्रॉब्लम और है दोस्तों, अभी मैंने इस वाले ब्लॉक की एडिटिंग वगैरह की तो पता चला ये जो स्क्रीन गार्ड आज फूटा सुबह,
उसकी वजह से पता नहीं क्या अजीब सा थोड़ा सा लेंस में धुंधलापन सा आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको चेंज कर देता हूँ। लेकिन अभी तो कमरे में गर्मी है, क्या है जेट वगैरह चल रहा है तो एसी तो बंद है, तो मैं सोच रहा हूँ जेट बंद हो जाए उसके बाद एसी चालू करता हूँ, तब इसका स्क्रीन गार्ड वगैरह चेंज करता हूँ। और जब इसका स्क्रीन गार्ड चेंज होगा तो उसकी प्रोसेस तो कैमरे से बन नहीं पाएगी, तो मैं मोबाइल वगैरह रख के आपको दिखा दूँ किस तरीके से मैं इसका स्क्रीन गार्ड वगैरह चेंज कर रहा हूँ। फालतू में ये नुकसान हो गया, अब और मंगाने पड़ेंगे। क्या दो का सेट आता है इकट्ठे स्क्रीन गार्ड का, तो एक मैंने लगा लिया था जब ये GoPro नया नया आया था और एक रखा हुआ है। अब अगली बार फिर जब बाई करूँगा 300-400 रुपये का आता है, फिर दो मंगाने पड़ेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, इससे सेफ्टी तो बनी रहती है। मैं सोच रहा हूँ एक बार नहा भी लेता हूँ ताकि ये चिपचिपा सा बॉडी हो रही है पूरी वो थोड़ी ठीक हो जाए। लेट है जैसे दोस्तों, मैं नहाने के बाद बाहर निकला तो उर्वशी क्या है रोटी वगैरह सेक रही, तो उन्होंने बोला गरम गरम अभी रोटी सेक रही है फटाफट से खा लो। मैंने भी सोचा ठीक है पर्स लाता हूँ, आलू मटर टमाटर की सब्जी बनी है। अब कई लोग ये बोल रहे हैं भैया इसमें टमाटर दिख नहीं रहे, तो टमाटर जो सब्जी में दिखते हैं मुझे वो सब्जी पसंद नहीं आती, तो इसी वजह से ये उर्वशी पीस के बनाती हैं, टमाटर को पीस देती हैं मिक्सी से और आलू मटर वगैरह डाल के बना देती हैं। और दलिया सुबह बनाता, और ये सत्तू का पराठा है, ये भी एक रखा हुआ था मेरे लिए ही, मतलब वैसे सबके लिए रखा होगा, मैंने वैसे सुबह सत्तू की रोटी खा ली थी। तो भैया आप खाना खाने के बाद फिर करेंगे इसका स्क्रीन गार्ड वगैरह चेंज। तो दोस्तों खाना हो चुका है, अब इस वाले मोबाइल को लगा देता हूँ इस वाले स्टैंड पर। मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया है पहले ही, और मोबाइल को यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि ये वीडियो शूट होती रहे जब मैं इसका स्क्रीन गार्ड वगैरह बदलूँ। कैमरा चालू कर देता हूँ, देख लेता हूँ कहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ पर बैग रखा हुआ है, इसी में स्क्रीन गार्ड रखा है, अब मुझे ये याद नहीं है किसमें है, तो मैंने दोनों ही बैग उतार लिए, ऊपर रखे थे अलमारी पे। ये रखा सर, ये वाला है वो स्क्रीन के लिए है और ये लेंस के लिए है, तो लेंस वाली मुझे चेंज करना है। वैसे तो स्क्रीन वाला भी फूटा हुआ है लेकिन उसको बदलना नहीं है, उससे तो काम चल ही रहा है। तो दोस्तों अब मैं मोबाइल वाले में शिफ्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो केस है वो हटाना पड़ेगा पूरा मुझे, तो केसिंग को वैसे रिमूव नहीं करना, डायरेक्ट ऊपर से ही निकल जाता है GoPro। बैटरी पहले रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर ये बटन दे रखी है, इसको इस तरफ करना है, ये खुल जाएगा। यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, ये स्क्रीन वाला है। अब इसको दोस्तों रिमूव करना है नेल से ही पकड़ के, ये देख रहे हैं, देख रहे हो बीच में से क्रैक हो गया था और साइड से भी यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। अब इसके साथ जो पेपर आए हैं तो इसमें से एक को निकाल लेते हैं। सबसे पहले वेट वाला अपन निकालेंगे, ये छोटे छोटे रहते हैं, ये थोड़ा गीला गीला सा है। पिछली बार एक मुझसे गलती हो गई थी इसमें कि मैंने स्टिकर आधा निकाला था और आधे आधे करके चिपका रहा था, तो बीच में एक लाइन सी आ गई थी। इस बार मैं इसको पूरा निकाल दूंगा, तो ऐसे करके निकाल देंगे पूरा, और इसको सीधा रखने के बाद धीरे धीरे छोड़ देंगे और दबा देंगे। देख लेना बिल्कुल भी एयर वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें, अगर एयर हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाएगी। तो दोस्तों लेंस का स्क्रीन गार्ड चेंज हो चुका है, साइड से ही मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको कि कोई इसमें एयर वगैरह तो नहीं आ रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब वापस से इसमें लगाते हैं, तो लगाने की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सी है, ऐसे सॉरी इसको खोलना पड़ेगा ऐसे, और फिर इस तरीके से ऐसे रख देना है और इसको बंद कर देना है। यहाँ पर बैटरी लगानी है और इसको भी बंद कर देना है। इसके बाद एडाप्टर लगाना है, एडाप्टर का तार, और हो गया काम ख़त्म। अब दोस्तों वापस से आ जाते हैं हम GoPro पर। तो भैया अभी ये क्वालिटी आ रही है इसकी, अब जब मैं एडिटिंग करूँगा तभी समझ में आ पाएगा कि लेंस बदलने के बाद कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही है, कहीं साइड साइड में वापस से वैसा ही तो नहीं आ रहा है, तो जब वीडियो की एडिटिंग वगैरह होगी तभी पता चलेगा। और अगर आपको कुछ समझ में आ रही है प्रॉब्लम वगैरह तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये इस वाले ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पर खत्म, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कल, तब तक के लिए बाय बाय।